न्यारमा 11वीं शताब्दी में बना बौद्धिक विश्वविद्यालय था। असल में वो लोचावा ज़ैंगपो का सबसे बड़ा अनुवाद का केंद्र हुआ करता था। लोचावा रिंगचेन ज़ैंगपो को तिब्बत में बुद्ध भगवान का दूसरा अवतार माना जाता है। ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति की बनाई गई इतनी मुख्य विश्वविद्यालय की ऐसी दुर्दशा कैसे हुई? बुद्धिज्म ने न्यारमा को खोकर बहुत बड़ा नुकसान उठाया। एकांत डाउनलोड एंड सब्सक्राइब नाउ एपिकॉन।